वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर मेन इवेंट फाइनल टेबल से यहाँ पे हैंड शुरू होता है जहां पे ब्लूमस्टाइन के पास है 77 बिग ब्लाइंड्स और उन्होंने रेस करा है पॉकेट एसेस के साथ। इस फ्लॉप पर दोनों के पास कुछ है। हेस ने ये हैंड ऑलरेडी फ्लॉप पर स्लो प्ले करा। और अब इस टर्न पर उनका हैंड बहुत स्ट्रांग हो चुका है, टॉप टू लगा दिया एंड ब्लूमस्टाइन के पास अभी भी टॉप सेट है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सोचने लायक है, उनके पास ऑलरेडी इतना बड़ा हैंड है तो हमारे ओपोनेंट के पास क्या होगा? ऐसे काफ़ी कम कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें यहाँ पे वैल्यू देंगे, इसलिए उन कॉम्बिनेशंस को रखते हुए ब्लूमस्टाइन ने एक छोटी 3 मिलियन की बेट डाली। पॉट है 9 मिलियन का, ऑलमोस्ट 9.3 मिलियन। हेस जो एक यूके के रिक्रिएशनल प्लेयर हैं और सब इस टेबल पे चाहते हैं कि वो ही जीते ये टूर्नामेंट, यहाँ पर बिना डरे एक रेस डालते हैं ऑफ 7 मिलियन। ब्लूमस्टाइन अभी उनके मन में कोई गाना चल रहा होगा क्योंकि उनके लिए लाइफ बहुत इजी है। आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पे 100% इक्विटी पे लॉक है उनका। और अगर यहाँ पे ऐसे कोई हैंड कॉम्बिनेशंस हैं भी जो कि एक ड्रॉ पर हो, वो फिर भी इस हैंड से काफ़ी पीछे हैं। ब्लूमस्टाइन सोचते हुए कि वो ऐसी कौन सी बेट या कैसी मूव डाल पाएंगे जिससे हेस चाहे ऑल इन चले जाएं या उनको बिलीव ही ना करें। और यही हुआ, उन्होंने उनकी बेट को 17 मिलियन रेस कर दिया। ओ माय गॉड, दिस इज अ बिग हैंड। हेस ने सीधा ऑल इन बोल दिया। ब्लूमस्टाइन ने कॉल कर दिया है, दिस इज क्रेजी, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट हैंड्स ऑफ वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर मेन इवेंट। यहाँ पे इतना बड़ा पॉट देखने को मिल रहा है। ब्लूमस्टाइन ने इतना बड़ा पॉट जीता है, 156 मिलियन। जॉन हेस जो सब चाहते थे कि वो ही ये हैंड जीते, वो विनर बने इस टूर्नामेंट के, वो सोच रहे थे कि वो ट्रैप कर रहे हैं पर वो ट्रैप हो गए एसेस से। दिस वॉज रियली अनलकी फॉर मिस्टर हेस।